वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेटवर्किंग के स्टेज में बात करेंगे FDDI के बारे में। तो देखिए, FDDI हमारा पूरा नाम होता है FDDI का फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। FDDI एक नेटवर्किंग स्पेसिफिकेशंस के समूह को कहा जाता है, जिसे कि स्टैंडर्डाइज्ड किया गया होता है ANSI के द्वारा मिड 1980 में। तो FDDI का हमारा पूरा नाम क्या हो गया, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इंटरफेस। आप एक एक पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस हैं, ये सभी छोटी छोटी पॉइंट्स पूछी जाती हैं। और देखिए, FDDI में डेटा ट्रांसफर स्पीड करीब 100 Mbps तक की, वो भी एक फाइबर ऑप्टिक केबल में। और वहीं ये इस्तेमाल करता है एक रोटेटिंग टोकन की, जो कि ये डिफाइन करता है कि कौन सी सिस्टम एक विशेष समय में डेटा सेंड करेगी, ये चीज ये डिफाइन करेगी। तो FDDI नेटवर्क में शामिल होते हैं दो फिजिकल पाथ या कि रिंग्स, जो कि डेटा को ट्रांसफर करते हैं उल्टी दिशाओं में, जहां प्राइमरी रिंग डेटा को कैरी करती है सिस्टम के बीच में। वहीं सेकेंडरी रिंग का इस्तेमाल रिडंडेंसी के लिए भी किया जाता है, हम रिडंडेंसी के लिए ही इसका यूज करते हैं। अगर कोई भी सिस्टम नेटवर्क में कोई इंटरप्शन पैदा करती है, तो प्राइमरी डेटा पाथ में अगर पैदा करेगी, तब सेकेंडरी रिंग का इस्तेमाल में लाया जाता है, तब तक जब तक कि प्राइमरी रिंग फिर से फंक्शनल ना हो जाए, तब तक हम सेकेंडरी को इस्तेमाल में लाएंगे। अब देखिए, FDDI की एक हमारी वेरिएशंस, जिसे कि FDDI फुल डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, सभी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, वो सेकेंडरी रिंग का इस्तेमाल करता है एक एडिशनल प्राइमरी चैनल के रूप में। इस प्रकार की हमारी FDDI नेटवर्किंग की कोई भी रिडंडेंसी नहीं होती है, लेकिन ये सपोर्ट करता है डेटा ट्रांसफर रेट्स अप टू 200 Mbps तक। FDDI को डिजाइन किया गया था 1980 में। वहीं इसे मुख्य रूप से फास्टर नेटवर्किंग प्रोवाइड करने के लिए भी बनाया गया था, और वहीं से 10 Mbps ईथरनेट और 16 Mbps टोकन रिंग स्टैंडर्ड की तुलना में बेहतर नेटवर्किंग प्रदान करने के लिए इसको डेवलप किया गया था। और देखिए, चूंकि इसमें क्या होता है कि हाई बैंडविड्थ होती है, इसलिए FDDI बहुत ही जल्द एक पॉपुलर चॉइस बन गई थी हाई स्पीड बैकबोन्स में इस्तेमाल होने के लिए, और वो भी यूनिवर्सिटीज और बिजनेस में। तो जहां पर एक समय में FDDI दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लैन टेक्नोलॉजी रही काफी वर्षों के लिए, तो वहीं बाद में इसको सुप्रेस्ट कर दिया गया, और फास्ट इथरनेट के द्वारा, जो कि ऑफर करता है कि बहुत सारी MBPS स्पीड और लोअर कॉस्ट में। तो देखिए, इस वीडियो में हमने देखा कि FDDI के बारे में हमने देखा, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस के बारे में। तो अगर हमारा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।